वकील सारा आ गया वकार। आपने जो बात कर दी है, क्यों भी अदील अदील सुन रहे मेरी बात? नहीं नहीं सर, अब इसको क्या करना है नेक्स्ट, आगे कौन सी क्लास की, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना पूछे कभी क्लास जी? आज आपको बता देंगे सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अच्छा तो अली रजाक आपने पूछा क्लास वालों क्यों भी अली? सर सारे टॉपिक्स अपने हो गए हैं, कोई बताया नहीं है क्लास ने अभी तक। अच्छा मैं आज दोबारा पूछ लेता हूँ। अच्छा तो फिर आज इसकी देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल रिपोर्ट्स देख लें सर, कर लेते हैं। उसको देख लेते हैं फिर, क्योंकि ये जो मुझे मैं कर दूंगा क्वेश्चन आपको शेयर जो मुझे मिले हैं, ठीक है तो इनको देख लेते हैं। ठीक है तो बेटा सेक्शन 6 से लेके ना 41 तक डील करता है आपका ये है ना आपका क्रिमिनल कोर्स के मुतल्लिक। पहला क्वेश्चन जो है ना वो सीआरपीसी का वो किसके हायरार्की आपका आपकी क्रिमिनल कोर्स के बारे में डील करता है सेक्शन 6 से लेके ऑन 41 तक। ये सारी बातें किसमें है आपकी आपका अल्लाह भला कर इसमें क्रिमिनल कोर्स के बारे में अगर आपको याद हो तो, क्योंकि अगर आपने पढ़ी है मैंने इनको तो पढ़ाई है 10th सेमेस्टर वालों को, तो ये जो 8th मॉर्निंग वालों हैं इनमें से अगर नहीं है किसी, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता होता है व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोर्स एलैबोरेट इन 14 नंबर का 20 नंबर का ये सवाल आता है 20 या 15 नंबर का। ठीक है बेटा तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि कई दफ़ा आपको बताया कि कोर्ट क्या होती है, कोर्ट की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ कि कोर्ट होती है, ठीक है कोर्ट मीन द प्लेस वेयर जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसाफ फराहम किया जाता है, ये सारी बातें। और अगर आपने कोर्ट को देखना है जाके आपने तो सेक्शन 4 में भी डिफाइन किया गया, जैसे कि हाई कोर्ट में डिफाइन किया गया, ठीक है कि हाई कोर्ट मीन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, समझदार की बात थी। तो इसमें सारी बातें यानी इसमें जिसमें अपील लाई करती हो और आपकी रिवीजन लाई करती हो तो उसे हम क्या कहते हैं हाई कोर्ट, समझदार की बेटा बात की। इसके तीन टाइप्स की ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है एक पहले ओरिजिनल और आपकी जो है रिवीजनल, इसमें क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड में, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की तो ये आपको पता है कि ये क्या कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है एनहांस भी कर सकती है, एनहांसमेंट के लिए सेक्शन 75 पीपीसी अगर आपको याद हो तो, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में हाई कोर्ट के बारे में। अच्छा उसके बाद आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की अगर आपने देखनी है तो आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड या मुल्क समझा की। इसके बाद अगर हम देखें क्लासेस ऑफ जो है वो क्रिमिनल इसकी मजिस्ट्रेट सी क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, तो हेड होता है सेशन जज बेटा, कौन होता है सेशन जज होता है समझ आ गई। उसके नीचे जो आपको एडिशनल सेशन जज होते हैं, ठीक है उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास एंड इसके बाद होता है स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, समझ आ गई बात की। ये सेकेंड गवर्नमेंट 21 और 22 है सीआरपीसी जो कि पावर्स बताते हैं इन मजिस्ट्रेट्स की, मजिस्ट्रेट कौन कौन से इख्तियार जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन कौन से ग्रांट कर सकते हैं। अगर हम आप शुरू करें ना पहले जो नेम्स है ना आपको क्लासेस जो है क्रिमिनल कोर्स ये सेक्शन 6 में आपको मिल जाएंगे, सेक्शन 6 में आपको मिलेगी। और अगर आपने मजिस्ट्रेट की ये बातें देखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट तो ये गालबन सेक्शन 21 या 22 है आपका सीआरपीसी, तो इसमें उन्होंने जो है इनके ज्यूरिसडिक्शन जो है हर चीज़ बताई है इन्होंने वहाँ पे मजिस्ट्रेट की, समझदारी है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कितने इख्तियार जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं जो सेशन जो हेड होता है इसका आपका अल्लाह भला करे बेटा आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स का, ठीक है सेक्शन 9 है। तो मैं आगे बेटा बात की कि इसकी जो दो किस्म की बेटा ये होती हैं कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है लेकिन हेड इसका एक ही होता है जिसका नाम है सेशन जज, ठीक है इसके नीचे एएसजी होता है एडिशनल सेशन जज जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, समझ आ गई बात की।
कि वो सेक्शन 9 है बेटा, ये आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, ठीक है, कि ये क्या करे, कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करे हर डिवीजन पे, समझ आ गई, और उसका एक सेशन क्या होगा, हेड होगा, जिस तरीके से आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जंग, तो ये क्या होता है आपका एक हेड होता है, और इसके नीचे मुख्तलिफ जो होते हैं वो जजेज होते हैं, समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसी का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3, तो उसमें उसने जिक्र किया एडिशनल सेशन जज का, समझ आ गई बात की। तो इसमें अगर हम देखें एक सेशन जज के पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन होती है, समझ आ गई, तो सेशन कोर्ट के पास चार किस्म की जो होती है ना पावर्स होती हैं, पहली बात तो रीजनल जुरिस्डिक्शन होती है, दूसरी बात अपेलेट होती है, तीसरी बात रीजनल होती है, और चौथी बात पावर्स रिगार्डिंग द ट्रायल एंड अवॉर्डिंग द सेंटेंस अंडर सेक्शन 31 अंडर सेक्शन 31, समझ आ गई बेटा बात की। इस तरीके से यानी कि सेशन जज और सेशन कोर्ट को हम कहते हैं, या आगे भी आ रही चीज एलैबोरेट करता हूँ, फोकस सेशन जो है आपका जो है अंडर सेक्शन 9 में जो बात की गई है कि किसने एस्टैब्लिश करना है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और कहाँ पे करना है, एक जो आपका डिवीजन है उसका जो सरबराह होगा वो सेशन जज होगा, उसके अंडर जो होंगे वो एडिशनल सेशन जजेज होंगे, समझ आगे बात की। इसी तरीके से अगर हम बात करें किस चीज़ की मजिस्ट्रेट की, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मजिस्ट्रेट चार किस्म के यहाँ पे बताए गए हैं, 3 तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, और चौथा कौन सा मैंने बताया आपको, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जो चार किस्म के मजिस्ट्रेट हैं हम इन्हें कह सकते हैं जुडिशियल। ये कौन से मजिस्ट्रेट हैं, जब ये एक्सरसाइज करेंगे अंडर दीज प्रोविजंस, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड एंड थर्ड एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो हम इन्हें कह सकते हैं क्या है भला, ये जुडिशियल। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, एग्जीक्यूटिव की, समझ आगे बात की, तो एग्जीक्यूटिव की बात याद रखिएगा, एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद होता है, ये इसकी प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, इसमें पंजाब में तो नहीं है लेकिन कब्जों में अलबत्त हो, जिसे कहते हैं समरेली पोजीशन में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास। बेटा जब भी पोस्ट आती है ना आपकी सिविल जजेस की, तो लिखा होता है सिविल जज कम मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, समझ आ गई, होता वो सिविल जज है साथ उसके पास अख्तियार किस चीज़ के होते हैं मजिस्ट्रेट के, समझ आगे बात की। अब हम अगर बात करें ना बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो सेक्शन 9 के साथ है सेक्शन 10 जो कि किसको करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है, समझ आगे बात की। तो ये इसके इख्तियारात अगर आपने देखने हैं तो सेक्शन 32, 33 और 34, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अगर आपने देखने हैं जो आपका है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये 3 साल जो पहले की पुरानी, अब इसकी क्योंकि बढ़ा दी गई है, तो ये 3 साल जो इस सेक्शन में लिखे हुए हैं इसमें आपके, अल्लाह आपको भला करे, ठीक है, सेक्शन आपका है 22, 3 ईयर और 45,000 इसका फाइन है बेटा, ये कितना कर सकता है आपको, तो आपका अल्लाह भला करे ये 45,000 फाइन, ठीक है, और साथ कितना कर सकता है 3 साल सजा कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसका कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, ये 1 ईयर प्लस 15,000, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास 1 मंथ और 3,000, समझ आ गई। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट आता है आपका मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन, जिसे आप कहते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ अथीस, तो ये मजिस्ट्रेट साहब हैं जो कि 7 साल की हद तक जो है ये ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं और 7 साल तक ये सजा ग्रांट कर सकते हैं, समझ आ गई बात की। उसके बाद बेटा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसको जिक्र है आपका सेक्शन 14 में, समझ आ गई बात की। इसकी जो पावर जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है, नोटिफिकेशन इसके पास होता है कि जिस ऑफेंसिस को उसने ट्राई करना है और जिस को इसने सुनना है, समझ आ गई बात की। इसके बाद सेक्शन 13 है, इसमें ऑनरी मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये रिगार्डिंग द पब्लिक इंपॉर्टेंस, समझ आ गई बात की। और ये आजकल इन्होंने आर्बिट्रेशन है, अगर आप पढ़े 89 ए सी पी सी में, तो यहाँ पे इन्होंने बकायदा बता दिया कि जो इंजॉय करते हैं किस चीज़ को आपके इन तमाम जो है आर्बिट्रेटर ऑनरी मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, जिसको एक ऑनर दी जाती है, समझ आ गई बात की। तो उसके बाद बेटा इसमें नेक्स्ट जो है अल्लाह आपका भला करे 22 आ जाता है, जस्टिस ऑफ पीस आ जाता होता वो है एस जी है, एडिशनल सेशन जज होता है, या आपके किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन आपके ये बात कि वो होगा वो कोई आपका जुडिशियल ऑफिसर, तो मजाक की बात थी। तो इसके साथ बेटा 29B है जुवेनाइल कोर्ट्स का, ठीक है बेटा, 29B में किस चीज़ का जिक्र किया गया आपका जुवेनाइल कोर्ट्स का, तो मजाक की बेटा बात थी। तो उसके बाद बेटा आपका इसी तरीके से ये आपकी एक हायरार्की जाकर बन जाती है किस चीज़ की, क्रिमिनल कोर्ट्स की, ठीक है। तो अगर सवाल आता होता है किस चीज़ का आपका क्रिमिनल कोर्ट्स का, अल्लाह जाने बेटा आपने किस अंदाज में पढ़ा है, किसने पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता, ठीक है।
तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्स, ये शायद हमारे नोट्स में भी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा, जल्द मिल जाएगा, क्वेश्चन आज कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल मुझे हुक्म मिला था कि सर हमें ये क्रिमिनल कोर्स के बारे में बता दें। ठीक है बेटा, सीआरपीसी 1 के साथ क्वेश्चन आपका, ठीक है, सेक्शन 6 से लेके 41 तक पहला जो पोर्शन है ये बताते क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की के बारे में, इनके तमाम जो आपकी हैं इनके पावर और इनकी तमाम जुरिसडिक्शंस के बारे में जो बताता है वो सेक्शन 6 से लेके 41 तक है। ठीक है, और ये अक्सर लोग छोड़ देते होते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं जुडिशरी में। ठीक है बेटा, तो इसमें तो यहाँ तक बेटा कोई आपने एक आपके बेटा टाइम टेबल का इशू है 8 सेमेस्टर वालों का। ठीक है, तो मैंने भी बेटा गुजारिश आपको की थी शायद अगर आपको याद हो कि जनाब अगर आप देखेंगे तो मैं भी 1.5 घंटे की सफर करके आता हूँ, मैं गांव में नहीं बैठा हुआ। ठीक है बेटा, तो गांव में सिग्नल ही नहीं होता, मुझे भी तैयारी करके यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ पे मुझे बैठ करना पड़ता है। अगर मैं तो शहर में होता तो फिर मुझे आप 24 घंटे 24 आवर जब भी आप कहते तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार था। ठीक है बेटा, तो मेरा मसला यही है कि मुझे भी 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट कभी भी 1.5 घंटा भी लग जाता है, 1.5 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ तक गली में आने तक, आगे शहर में जब निकल होता है। तो ये मेरे लिए मसाइल है, तो अगर मैं शहर में होता तो बेटा फिर तो मसला ही कोई नहीं था। तो जब आप कहते जिस टाइम आप मैं उसमें मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप मुझे टॉपिक्स बता दें, मेरा जो है ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट के लिए ऑनलाइन हूँ, बेशक मैं 15 मिनट के लिए ऑनलाइन हूँ, तो मेरा सिलेबस है सीआरपीसी का, आपने मुझे बताने हैं, मैंने ये बता दिया है इसको आपकी सीआर को अदील को, तो ये अदील मुझे कल आप बता देना बेटा, तो जो जो चीज़ आप मुझे कहोगे, जो चीज़ मेरे लिए है, जो आप लगते हो शक, आपको सीआरपीसी 1 सीआरपीसी 2 जिस चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है, जो टॉपिक आप कहोगे मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। बाकी रह के 10th सेमेस्टर वाले, ठीक है, इनका कोई है बेटा आपका कोई टॉपिक या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो जी बिस्मिल्लाह आप मेरे को मुझे जो कहेंगे मैं पढ़ाने को तैयार। ठीक है बेटा, तो अल्लाह करेगा, उम्मीद है 2 तारीख को फैसला हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी कब खुलनी है, कैसे खुलनी है, क्या क्या उसके मामला होंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम ऐसा करेंगे जो हमारी आखिरी क्लासेज होंगी ना, तो जो आपके जुडिशरी के हिसाब से आपकी होंगी ना एग्जाम, तो मैं तो आपको कहता हूँ बेटा मेरे लिए तो बिल्कुल पढ़ो ही जाना, अगर आप मुझे दिखाने के लिए पढ़ते हो या मेरे पेपर पास करने के लिए पढ़ते हो, नहीं कभी भी मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा। अगर बेटा आपने पढ़ना है जी बिस्मिल्लाह, आप अपना फ्यूचर देखें, ठीक है, अपने आप को अपना फ्यूचर सेव करें। ठीक है बेटा, और मजे की बात यह है बेटा कि अगर आप समझ के हो इसमें आपने जाना है, जो लोग दृष्टि में हैं बाकी जो टाइम पास है उनसे मेरी कोई ये नहीं है, मैं उनको मैं फोकस तो कर नहीं रहा, बाकी जिन्होंने पढ़ना है जिन्होंने अपना कोई है उनका दिल इरादा कि आपने आगे जाना है, तो बातें मेरी सारी उनसे हैं। तो आप अगर समझते हो कि हम इंशाल्लाह क्लासेस मैनेज करेंगे जितनी मेरी हद तक, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे इसके दृष्टि के तो हम उसके नोट्स बना रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह भला करे आपके अली रजाक का, अल्लाह इसको बेटा जिंदगी दे। तो ये हम अपनी टीम है हमारी, हम इंशाल्लाह उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो है जो शख्स विलिंग है तो मेरे लिए जितना आपने मुझे कहना है, क्योंकि बेटा मैं तो सिलेबस अब कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिस चीज़ की नहीं समझ आई 8 सेमेस्टर वालों को मैंने सीआरपीसी वहाँ पढ़ाई नहीं, ठीक है, अल्लाह जाने की बुनियाद कैसी है ये कैसी नहीं, तो जो जैसे आप कहोगे तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपने कोई बात पूछनी है, कोई आपने क्वेश्चन करना है तो हर किसी पर ऑप्शन हर किसी के पास है, मैंने किसी को मूव नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप जी बिस्मिल्लाह पूछें, सवाल भी आपने पूछना है तो मुझसे पूछ लें, कोई बात सजेशन देनी है आप जी बिस्मिल्लाह दें। तो बाकी कोई मेरी बात से अगर आपको कंप्लेंट होती है, मेरे से कोई आपको टाइम कोई एडजस्ट है तो बरए मेहरबानी आप मेरे साथ किया करिए, मामला में नहीं रेडिंग होते, ठीक है, जहाँ पे आपको सुना जाता है हमें भी वहाँ पे सुना जाता है। ठीक है, तो बाकी ये घर का माहौल है, मैं तब यही कहूँगा कोई आपको इशू है मेरी दास से इशू है आपके टाइम में कोई इशू है तो आप जी बिस्मिल्लाह मेरे साथ शेयर करें, तो कोई बात अगर आप बताना चाहते हैं ये करना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह आप करें, कोई टॉपिक आप कहना चाहते हैं किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपको तो आप मुझे शेयर करें जी बिस्मिल्लाह। रोबिया सुन रही है मेरी बात, रोबिया मसूद जी, जी सर, जी सर जी, कोई सजेशन देना चाहेंगी सर किस बारे में?
कोर्स के बारे में बेटा? नहीं 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 कोई सर नहीं, ठीक है कोई बात मेरे लिए बेटा, कोई भी फ्रेंकली क्योंकि जो आप पढ़ने वाले लोग, मैं तो आपसे शेयर इसलिए करता हूँ, बाकी को बाकी को गुस्सा आता है मेरी बात का, वो कहते हैं सर को ज्यादा ही पढ़ाकू लगते हैं, तो पापा मैं भी आप जैसा ही हूँ, तो आप मुझे कोई सजेशन दें कोई चीज, आप इंशाल्लाह आखिर में अगर हमें टाइम मिला ना एक या दो वीक, हम इंशाल्लाह ओवरऑल सीआरपीसी का रखेंगे एक सेमिनार टाइप, या हम इसको एक लेक्चर में मैनेज करेंगे, दो घंटे की क्लास हम लेके इसको, ये मेरा अगर जिंदगी दी अल्लाह ने तो इंशाल्लाह बेटा हम इसको। नहीं सर अल्लाह हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, से तंदुरुस्ती वाली दे। इसमें इसके बाद उमर नियाज आपको सजेशन देना चाहेंगे जी, उमर नियाज उमर खोकर सुन रहे हो मुझे आप? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। तो बात बेटा अगर आप करना चाहो तो जी, इसके बाद आपका अफजल अजीज। नहीं सर। तो आपको बात नहीं सर। अच्छा इसके बाद एहसन बैठा है, एहसन जी एट सेमेस्टर वालों आप जी, अब्दुल्ला आप? नहीं सर सब A1 है सर। नहीं A1 नहीं है इसमें, अगर कोई बात है देखो मेरे पास तो जो ऑलमोस्ट कोई टॉपिक आपका रह गया था मेरे से बिस्मिल्लाह शेयर करें जी, ये रोल नंबर 20 अमजद अब्बास, अमजद सुन रहे हो? नहीं सर कोई भी। जी जी सर सुन रहा हूँ जी बेटा, कोई बात पूछनी है कोई बात आपने करनी है कोई चीज मेरी? नहीं सर कोई भी फ्रेंकली इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आप इस चीज के नंबर काटूंगा या मुझे एफिशिएंसियां दिखाने की, ये आपको पता है मैंने पढ़ाई के लिहाज से क्लासरूम के आज तक मैंने पॉलिटिक्स कभी नहीं, ठीक है बेटा? तो अगर आप में कोई भी फैमिली में आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप बेटा किसी चीज की समझ नहीं आई, ठीक है, अब मेरा सिलेबस तो यही है जो आपने मुझे कहना है मैं पढ़ाने को तैयार, ठीक है? तो जी सर उसके बाद सर हर समझ आती है आपकी। अरूज आप? समझ आ रही है? समझ तो आ रही है बेटा, सिलेबस तो मेरा यही था जो मैंने खत्म करवा दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर हमारी सही बताओ तो हमारी बेस सही नहीं बनी हुई क्रिमिनल को, ये क्रिमिनल प्रोसीजर को। चलो इसके बाद बिलावल भुट्टो आप? तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? बिलावल भुट्टो साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो रोल नंबर 20 के 30। बिलावल मुगल कोई बात करना चाहेंगे जी? और ये क्या कहते हैं रिफ्दा आप बेटा? सर सब ओके है, परफेक्ट है सर सीआरपीसी 2 का। और सना बेटा आप? सना है क्लास में? सना बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? बाद इफ्रा आप बेटा रोल नंबर 3। जी सर। जी बेटा। जी सर। नहीं सर कोई इशू नहीं है सर, सीआरपीसी 2 के नोट्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं सर, सब समझ आ रहा है। नहीं बेटा अगर नहीं समझ आ रहा तो बी फ्रेंकली आप बताएं, मैं तो मुझे किताबें आप बता दें, आपने कोई सीआरपीसी 1 का पढ़ना है या सीआरपीसी 1 को, मैं इंशाल्लाह आप घबराओ नहीं, मुझे अगर वक्त मिला ना क्योंकि ये चीज होती है बेटा लाइव फेस टू फेस, सीआरपीसी 1 का भी मैं कवर करवा दूंगा, ये आप टेंशन ना लो जी सर, क्योंकि देखो बेटा एक टीचर की डिग्निटी होती है जिसने पहले पढ़ाया होता है। सर थैंक यू फॉर दैट, इसमें उस चीज को मैं यही कह सकता हूँ जी सर। जजाकअल्लाह सर जी।
उसके बाद मारुख तनवीर बेटा आप? जी सर बिल्कुल। उसे कोई भी इशू नहीं है, सारा समझ आया। लगता सना मलिक सोई हुई है मुझे लग रहा है, ये रोल नंबर 32 जो है ना, ये इन्होंने सेल फोन पे रखा है और ये घर के काम में लगी हुई है। निमरा बेटा आप? तो की रोल नंबर 12 आप भी नजर आ गए। जी सर। हाँ। सर कोई इशू नहीं है, जितना भी आपने पढ़ाया है सब सारा समझ आया सर, फिर भी कोई इशू होगा अगर कोई कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेंगे आपसे। चलिए, नोट्स पढ़े थे आपने जो हमने आपको दिए, उनको पढ़ने की कोशिश? जी सर मैंने देखे थे। हाँ, पढ़े नहीं? जी अभी पढ़े नहीं है सर। तौकीर बेटा आप रोल नंबर 12? तौकीर जी सर सब ठीक है, कोई मसला नहीं है सर। नहीं सही सही बता। जी सर। जी सर कोई मसला नहीं है सर। नहीं कुछ याद किसी के हवाले से कोई बात है तो भी फ्रेंकली बेटा मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। जी सर सीआरपीसी 2 के वाले से कोई मसला नहीं है सर, उसने अपना पढ़ाया सर। सीआरपीसी 1 का बता दो, टॉपिक्स आप बता दो, आप तो फिर भी हो ना इस चीज को आप समझते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी करे तो मैं पढ़ा दूंगा बेटा। अगर आप जो टॉपिक आप कहोगे, नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, एक क्वेश्चन हमारा मिस है, एक 510 सीआरपीसी उसमें नहीं है और ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएंगे, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे कि इसके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के, ये जो आज वाला मेरे ये 1-2 मिनट का या 10 मिनट का जितनी भी ये हमारी बात है, ये आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जी बेटा बी फ्रेंकली रीता आप हो बेटा क्लास में? अक्का आप बेटा? ठीक है बेटा आप? सीआरपीसी जोन सी आपने पढ़ाई उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सीआरपीसी 1 जोन सी हमारी बेस नहीं बनी हुई। तो बेटा आप मुझे टॉपिक बता देंगे? जी मुझे आप टॉपिक बता दें जो आपको नहीं समझ आए मैं पढ़ा दूंगा। सर जोन सा आपने आज किया हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सर आपने ओवरव्यू दिया है, तो अगर आप इसको भी जरा डिटेल में हमें बताएं। इसके अलावा मैंने आपको उस दिन भी किया था। सर जैसे अरेस्ट वाला आ गया है टॉपिक, चलिए अरेस्ट ये शुरू हो रहा है, कल अरेस्ट बता दूंगा आपको, अरेस्ट के नोट्स। अरेस्ट अरेस्ट और सर चार्ज मतलब स्टार्ट से जोन से होता है ना, जो जो प्रोसेस से होता है वो आप बता दें काइंडली, बाकी जो आपने बताया हुआ है वो क्लियर है सर। चलिए बेटा इसको भी देख लेते हैं, आप डोंट वरी इंशाल्लाह इतना टाइम हमारे पास है तो कल ये रेस्ट में पढ़ाऊंगा। रेस्ट और ये क्वेश्चन एक आता होता है रेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है? 154 है ऐसा कि उसमें 151 है, ठीक है? अगर आप ये सीआरपीसी में पढ़ लोगे तो 151 64 है 65 में स्टेट के पास है, ठीक है? बताइए इख्तियारात हैं इसके, यानी कि इवेंट पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट और अल्लाह आपका फिर सेक्शन 59 है साथ, ये सवाल है ना अगर आपका डिफाइन अरेस्ट एंड व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है? तो इसमें बेटा आपने कोशिश ये करनी है कि सेक्शन 54 पढ़ना है, ठीक है बेटा? एक दफा देख लेना, मैं तो पढ़ा दूंगा आपको इंशाल्लाह, तो उसको देख लें बेटा। और साथ सेक्शन 59 है, 151 है, उसके बाद 64 और 65 सीआरपीसी, यानी कि ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जो आपकी पॉलिसी 15 नंबर का क्वेश्चन आता होता है जो पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ये अरेस्ट बाकी है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट वो 46 से शुरू होता है, तो समन वारंट मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ मुझे याद है, ठीक है? समन वारंट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ, बाकी रह गया चार्ज और चलान और कॉग्निजेंस वाला सवाल भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, याद है आपको? जी सर। वन में काफी चीजें मैंने तो आपको कराई हुई है अगर आपने पढ़ी है तो। जी सर एक आप मिलके ना सारे मिलके एक चीज ये देख लो, जो टॉपिक्स आपको समझ चार्ज में पढ़ा देता हूँ, ये मेरा वादा है आपको, चार्ज फिंगर टेस्ट पे होगा। चार्ज है क्या, फर्द जुर्म क्या होती है, चार्ज अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, जॉइंटर आप 221 से लेके 240 तक मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है सर। ट्रायल है 3 241 से लेके 249 ए तक, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे बेटा 200
65 ए से लेके 265 के तक, ठीक है, और 260 से लेके 265 तक ये समरी ट्रायल, तीन ट्रायल हो गए, ठीक है बेटा। इसके बाद तो हमने सीआरपीसी सारी पढ़ी है, टेंडर ऑफ पार्डन मैंने आपको पढ़ाया है 337, यस सर, यस सर, 40, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको जजमेंट मैंने पढ़ा दी, समझ आ गई, यस सर, इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ आ गई। उसके बाद अपील मैंने सारी आपको पढ़ा दी बेटा, ठीक है। अपील के बाद बेटा आ गया अल्लाह आपका भला करे, आपका जजमेंट मैंने पढ़ा दिया, सुपुर्दारी मैंने पढ़ा दी, ट्रायल इन एब्सेंशिया मैंने पढ़ा दिया, बॉन्ड मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेशमेंट मैंने पढ़ा दी, आपकी हैबियस कॉर्पस मैंने आपको पढ़ा दिया, 491 सीआरपीसी, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो पीछे क्या बचता क्या है सीआरपीसी, रिवीजन मैंने आपको पढ़ा दी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें आप देख लें जो चीज आपको नहीं आपको समझ आ रही, तो आप एक ये इतना तो मेरे पे एहसान करें ना बेटा कि आप सीआरपीसी 1 के मुझे टॉपिक्स बता दें जो आपकी ग्रिप में नहीं है, जो आप समझते हो सर वी आर फेसिंग द ट्रबल, ये वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, ये आपको नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूँ। और उसमें ये 10th वालों को छुट्टी करवा देंगे ना, 10th वालों को कहेंगे याद लगा दी अली अली जो है ग्रुप में अपनी हाजिरी भेज देंगे, तो हमें इसमें कोई हम इनकी दस इनको लेके अगर ये बैठना चाहेंगे तो जीवस में क्लास ले लेंगे। तो जो आप टॉपिक्स मुझे इतना तो बता दो ना बेटा कि हमारी सीआरपीसी 1 में ये चीजें मिस है, ठीक है। क्योंकि कल जिंदगी में आपने जाके ये भी तो कह देना कि सीआरपीसी सर ने पढ़ाई थी, और ये तो किसी ने नहीं पूछना कि सीआरपीसी 1 किसी ने पढ़ाई थी और सीआरपीसी 2 किसने, और आपने ये तो जस्टिफाई नहीं करना, आपने तो ये कहना कि सर ने पढ़ाई थी। तो आप मुझे बेटा ये मुझे टॉपिक्स बता दें, ठीक है। तो जो आपके नहीं है जैसे आपने चार्ज बता दिया, रेस्ट बता दिया, ठीक है। इसके बाद तो हमने पढ़ा हुआ है, समन भी पढ़ा, वरान भी पढ़ा, प्रोक्लेमेशन भी पढ़ी हुई है, सर्च वरान, यस सर, एब्सकॉन्डर वाला, यस, ये हर चीज हमने पढ़ी हुई है अगर आपको याद हो तो। जी सर पढ़ा हुआ, ये आप लिस्ट बना लो सीआरपीसी 1 की, जो टॉपिक्स रह गए मैं पढ़ा दूँ। अब मुझे तो नहीं पता, देखो मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे पास अभी 48 लेक्चर होते हैं, 2 क्लासे हैं, पता नहीं मैंने किसको क्या पढ़ाया किसको नहीं, नहीं जो आप भी बता दें मैं पढ़ाने को तैयार, मुझे कोई इशू भी नहीं। मेरा जो मैंने एक इशू बताया बेटा आपको, मैं अगर आपको देखो जिस जगह मैं बैठा हूँ ये मेरा अल्लाह जानते, ठीक है, मुझे 1.5 घंटे की मुसाफत करके आना पड़ता है सुबह सुबह, मुझे अगर 8 बजे आप मजबूर करोगे तो फिर उसमें ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि कहीं जाके इस जगह पे बैठ के, जहाँ पे मेरी वीडियो तो आनी को नहीं, मेरी ऑडियो वाली क्लास होगी, ठीक है। अगर मैं गाँव में बैठ कर पढ़ाऊँ वहाँ पे नेट क्लास कटेगी बार बार, उसमें 2-3 मिनट चलेगी बाद में मजा नहीं आएगी, तो मुझे ये शहर में आना पड़ता है, और कोई इशू भी नहीं। तो बाकी इसमें अगर किसी का इशू है बेटा तो ठीक, अगर आप मैनेज कर सको तो वेल एंड गुड, तो नहीं तो बेटा और भी मुझे कोई नहीं, आप जैसे बेहतर समझो, ठीक है बेटा। तो आप जाएं, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, तो ये अटेंडेंस मुझे भेज देंगे, ठीक है, अदील अगर मेरी सुन रहे हो तो। तो अपना ये आपका ये आपकी सीपीसी की क्लास है गलवन 12-10 पे, तो आप जाएं, ठीक है बेटा। तो बाकी अब्दुल रजाक अली ये हाजिरी मुझे भेज देना, ठीक है बेटा, अली सुन रहे हो, ठीक है जी, अली रजाक आप सुन रहे हो बेटा, सर दूसरी क्लास हो रही है, चले ठीक है, सालम किसकी हो रही है सर, मैं मिश्रित, तो चले ठीक है, इंगा लिंग का, ठीक है लेंगे, चले मेरी, चले ठीक है, बता तो दो ना मैडम की क्लास है तो आप जाए मैडम क्लास में, ठीक है बेटा। उनका लेक्चर था 10-11 वो आई नहीं, तो कोई बात मुश्किल नहीं है बेटा, तो आप पूरी अटेंडेंस भेज देना अपनी, ठीक है, अली को कह दो। ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह।